इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। लेकिन लक्ष्मण जी आवेश में भी बड़े सावधान हैं। कहते हैं, तोरों छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ। जितना ऊपर बोल आए हैं 6 बात सब आपके बल से करब, तो भगवान बोले तू बैठा मैं कह देता। अब देखिए, लक्ष्मण भैया बोले आपके बल से। जो बात हमने आपको पहले सुनाई नारायण, हम हो जोर कहले हैं यो जोर कहले बा लागी तोरी मोरी बाजी समरिया। तो लक्ष्मण भैया बोले आपके बल से, सरकार बोले बैठा। लेकिन देखिए, राम जी को भी अपना बल नहीं लगाना पड़ा। जैसे प्रभु ने बिठाया वैसे गुरु जी ने कह दिया, उठो राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम भंजहु भव चापा, परमात्मा चले सब स्त्री पुरुष ने अपना भाव पुण्य भगवान के साथ लगाया। सीता मैया गणपति जी से, धनुषदेव से, भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे प्रभु आज ही भर के लिए हे धनुषदेव अपनी गरुता सब राजाओं पर ला दीजिए, जितने लोग हैं सब पर डाल दीजिए, भगवान छूए हल्के हो जाइए। अरे भगवान धनुष के पास गए, मेरी माँ प्रेम मंत्र का जप करती, जय हे के भगवान धनुष के पास पहुंचने वाले माँ अंगूठों से धरती मैया को कुरेदती हैं, मानो संदेश दे रही है प्रभु विलंब ने और ना धरती की बेटी धरती में चली जाएगी। आ माँ के नेत्रों में प्रेम के अश्रु आए, बहे नहीं रुक गए, जैसे कृपण का सोना सत्कर्म में भी व्यय न होता है और वहीं पड़ा रह जाता है। मेरी माँ भगवान से मानो मन ही मन कहती है, प्रभु प्यास लगी हो जल न मिले और प्यास समाप्त हो जाए अमृत दे, उसका क्या अर्थ है। कृषि को आवश्यकता हो तब वर्षा न हो और न आवश्यकता हो तो बरसते रह जाए, उस वर्षा की कोई कीमत नहीं। भगवान ने माँ का भाव समझा, मैया को कनखियों से सरकार ने देखा। लक्ष्मण जी मंच पर खड़े हो गए, जब राजा लोग उठा रहे थे धनुष को तब धनुष धरती अम्बा पकड़ी थी, अब लक्ष्मण जी ने जैसे दबाया धरा को, धरती ने धनुष को थोड़ा छोड़ दिया। भगवान ने धनुष शिव जी का है, उनको प्रणाम किया, माता पिता गुरुदेव को प्रणाम किया, धनुष के केंद्र में भगवान ने हाथ रख दिया और परमात्मा ने इतना भारी धनुष 10,000 राजा एक साथ उठाते रहे, उसको इतनी तीव्रता से उठाया किसी ने देखा ही नहीं। एति दम के उदामिनि दिवि जब लयउ मुनि रवदन मंडल सब भयउ, लेत चढ़ावत कई चतराड़े काहु न लखा दे सब टाड़े, ए छन राम मद धनु तोरा भरे भुवन धुनि धोए कहे। सकल विकल विचार ही को दंड खंड
राम तुलसी जयति वचन अरे भुवन घोड कठोर रव रविवाज तज महारथ चले टिक्कर ही दिग्गज ढोल मही यही कोल कोरुम सार दिग्बाल उनके हाथी सब कलमला गए। सूर्य भगवान देखने आए थे, देखे तो मेरे प्रभु कैसे धनुष तोड़ते हैं, नाचने लगे घोड़े। ये है ऐसा आनंद बरसा, सबको आनंद हुआ और प्रभु ने प्रभु दो चाप खंड मही देखी लोग सब भये सुखा। मेरे बाबा ने जय जयकार किया, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बाबा ने जय कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन बाबा जय जयकार। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सु सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसा डुबा। भगवान के दिव्य भुजारोपी समुद्र में सारे राजा जो चढ़े थे धनुष रूपी नाव पर सब डूब गए। अरे अब क्या, माताएं गदगद हैं, सखियां हर्षित हैं, मंगल गीत गाते गाते किशोरी मैया को लेकर गईं। देखी लाला बड़े हैं, लली छोटी है। भैया झुकी जइयो लला एक बार लली मारी छोटी सो झुकी जइयो लला एक बार लली मारी छोटी सी सुनियो विनय दशरथ जी के लाला बहिरहु आज विजय जय माला हम गावे हम गावे हम गावे मंगल चार लली मोरी छोटी सी झुकी गइयो ललाय लली मोरी छोटी सी ब्याह उछाह मंगल गावे नगर वासी लो चल फल पावे तब जुगल चरण बलिहार किशोरी मोरी छोटी झुकी जइयो ललाय गोपाल किशोरी मोरी छोटी गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे लोचन लाभ सबके गौ दीजे हम गावे हम गावे हम गावे सुमंगल चार किशोरी मोरी छोटी जइयो ललाय गोपाल किशोरी मोरी छोटी चतुर सखी लखी कहा बुझाए पहिरा बहु जय माल सुहाए सुनत जुगल कर माल उठाए प्रेम विवस पहिराई न जाए गावहि छबियव लोकि सहेली दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग मधुर मधुर मुसुकानी ललके रंग बागानी
गावही छवि लोकी सहेली गावही छवि लोकी सहेली सिय जय माल राम उर मेरी सिय जय माल राम उर मेरी मगन भई मिथिला नील के रंग ललाली सरकार की। ये तो स्वयंवर रहा और धनुष टूटने के साथ ही जयमाल लाला के कंठ में आई और विवाह का पहला उपक्रम पूर्ण हुआ। आगे की कथा में भगवान परशुराम जी का आगमन है, उनका आवेश भगवान में प्रवेश किया, अजगम देकर के परशुराम जी तप करने हेतु विदा लिए। अब जनक जी महाराज ने विश्वामित्र बाबा से पूछा, मुनि जी क्या आज्ञा है प्रभु? राजन, धनुष टूटते व्याह तो हो गया, अब आपकी जो वंश व्यवहार परंपरा है उसका आप निर्वाह करें। उचित तो ये है दूत के द्वारा पत्रिका अयोध्या भेजें, महाराज बरात लेके आवें और फिर दिव्यता पूर्वक उत्सव किया जाए। आहा, जो आज्ञा महाराज। दूत पत्रिका लेकर अयोध्या जी गए, महाराज ने संदेश पाया, प्रजाजनों मुनिजनों गुरुदेव सचिवों सबको सुनाया और फिर तो गुरु आज्ञा से बरात सज धज कर अयोध्या से मिथिला की ओर चली। क्या कहना, अद्भुत। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।